सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर Xiaomi ने ऑफिशियली जो MIUI 12 का चाइना बीटा वर्जन है उसको रोल्ड आउट कर दिया है। तो आप अपने कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन पर अभी MIUI 12 का अपडेट है उसको अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन पर MIUI 12 का जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपने Redmi Note 5 Pro पर इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए गाइस, आपको सबसे पहले तो मोबाइल का बूट लोडर है उसको अनलॉक करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कि आपको उस पर कोई भी कस्टम सपोर्टेड रिकवरी यानी कि TWRP या फिर ऑरेंज फोर्स रिकवरी का इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुआ है और ग्लोबल अपडेट इसका अभी तक नहीं आया है। 15 दिन के बाद इसका ग्लोबल अपडेट है वो आने वाला है। अगर आप चाहे तो 15 दिन वेट कर सकते हैं, वह जैसे ही ग्लोबल अपडेट आ जाता है तो उसको डायरेक्टली आप विथआउट बूटलोडर अनलॉक किए उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस, अगर आपको इसको अभी इंस्टॉल करना है तो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको इसका जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और आपका मोबाइल का जो फाइल है उसको आपने डाउनलोड करना है। अगर आप दूसरे मोबाइल का फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है, तो आपको उस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 या फिर 2.5 GB की एक फाइल होगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ से हम इसको पावर ऑफ करेंगे, उसके बाद यहाँ से रिकवरी को ओपन कर लेना है आपने। सो यहाँ पर गाइस, रिकवरी में हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं ऑरेंज फोक्स रिकवरी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो अपने फ़ोन के लिए ऑरेंज फोक्स रिकवरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो गाइस, यहाँ से आपको बैकअप क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो भी डेटा है उसको बैकअप बना लेना है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान आपका डेटा जो है वो जा सकता है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सभी इंस्टॉल ऐप आपके जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले उसको बैकअप बना लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको वाइप पे क्लिक करना है। डेलवी कैच सिस्टम वेंडर इन सभी को आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर गाइस आपका फ़ोन इंक्रिप्टेड है तो आपको यहाँ से सबसे पहले डाटा में जाना है, यानी कि यहाँ पर मैनेज पार्टी में क्लिक करना है, डाटा में जाना है, उसके बाद ओके करना है। यहां से आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, इससे आपका सारा डाटा जो है वो चला जाएगा, यानी कि कुछ भी आपके फोन पर नहीं बचने वाला। तो यहां पर मेरे केस में मेरा मोबाइल जो है वो इंक्रिप्टेड नहीं है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकता हूं। तो यहां से वापस से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से इसको स्वाइप कर देते हैं। तो जैसे ये हो जाता है, उसके बाद यहां से आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डायरेक्टली आपको फ्लैश कर देना है। यहाँ पर गाइस, आपके पास पोको F1 या फिर Redmi Note 7 जैसे मोबाइल है तो उसका जो इंक्रिप्शन का फाइल है उसको भी आपने इसके साथ फ्लैश करना पड़ेगा, ताकि आपका मोबाइल है वो उसके साथ इंक्रिप्ट ना हो। अभी ये हो चुका है, अभी आपको यहाँ से डायरेक्टली वाइप कैच करके उसके बाद इसको रिबूट कर देना है। अगर गाइस आपको इसको रूट करना है तो इसके ऊपर मैजिक एसके का जो जिप फाइल है उसको भी आप फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फ्लैश नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ से 5 से 6 मिनट वेट करना है, ये अपने आप ही बूट ऑफ हो जाएगा। इसको आपने ना तो रिबूट करना है ना तो इसको पावर ऑफ करना है। सो गाइस, इसी प्रकार से आप भी अपने कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन पर MIUI 12 का जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इसको इंस्टॉल करने में या फिर अपडेट करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मुझे बता सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। बाकी गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गाइस, ऐसे और भी नए MIUI 12 वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।